एचएलवी डिजिटल क्लासेज में पुनः आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री का अगला वीडियो जिसका पहला क्वेश्चन प्रथम कोट की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विकसित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब देखिए, प्रथम कोट अभिक्रिया का वेग समीकरण आपका होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी। लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स ये होता है आपका। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 100 मिनट, तो टी बराबर आपका दिया है 100 मिनट दिया है समय। पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विकृत हो जाता है। जब प्रतिशत में सवाल दिया हो तो उसके लिए हम एक मान 100 रख देते हैं और हमारा जो एक्स विकृत हो रहा है वो 99 है, 99% हो जाता है। तो वेग स्थिरांक के ज्ञात करना है, अब इसके लिए हम मान रख देते हैं। तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटे 100 मिनट है, यहाँ टी का मान 100 हो जाएगा। लॉग बेस 10 100 अपान 100 माइनस 99 ये आपका हो जाएगा 2.303 बटे 100 इंटू लॉग बेस 10 100 हो जाएगा। 100 से 99 का एक बचा तो ये 100 बचेगा। लॉग 100 जो होता है बेस 10 पे दो मान हो जाएगा। ये जो हमारा लॉग 100 है, लॉग 100 बेस 10 पे इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 2 बेस 10, ये पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 2 लॉग 10 बेस 10। जब संख्या और आधार बराबर होते हैं उसका मान 1 होता है, इसलिए कुल मान ये आपका 2 हो जाएगा। 2 × 1 = 2 हो जाएगा, इसलिए ये मान हमारा 2 हो जाएगा 2.303 अपॉन 100 इंटू 2। अब दो से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4.606। 10 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस पावर बन जाएगी, 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा और समय मिनट में दिया है, ये प्रति मिनट हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन हमारा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया और भार 60 के 5% वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम जली विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इसमें आर का मान दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें हमारा दिया हुआ है वेट, हमारा दिया हुआ है 5 ग्राम हो जाएगा, 5% दिया हुआ है। हमारा अणुभार मॉलिक्यूलर वेट जो है हमारा 60 दिया हुआ है। हमारा आर का मान दिया हुआ है। हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री, तो 27 में 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला होता है पी बराबर होता है सी आर टी के। सी सांद्रण है इसलिए ये हमारा हो जाएगा एन अपान वी के बराबर हो जाएगा। एन हमारे मोल होते हैं, ये एन बराबर होता है वेट बाई वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारा एन हो जाएगा वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। अब दिए हुए मान यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो वेट हमारा दिया है 5 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हमारा है 60 हो जाएगा। आयतन के लिए भी बराबर परसेंटेज में जब भी सवाल होता है 100/1000 कर देते हैं, तो ये कुल मिला के दोनों जीरो कट के 0.1 के बराबर होगा, 3.1 हो जाएगा। आर का मान दिया है 0.00821। टी हमारा 300 हो जाएगा
300 के बराबर हो जाएगा। अब हमारा एक काट देते हैं, जीरो से जीरो कट गया, छाए करना छा छा पंचे 30, ये 5 हो गया, 25, तो पी बराबर हमारा हो जाएगा 25। ये दशमलव काटेंगे तो ये दशमलव हट करके यहाँ लग जाएगा, तो हो जाएगा गुणे 0.8821। अब 25 को गुणा कर देंगे, 0.821 को 21 को हम 25 से गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 51 5, 5 2 10, हाथ है 1, 5 8 40, 1 41 हो गया, फिर 2 51 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, तो ये हो गया हमारा 5, ये हमारा हुआ 2, ये हमारा हुआ 4 1 5, 6 4 10, और हाथ 1, तो ये हो गया 2, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये दशमलव हमारा हो गया। इस तरह से हमारा ये मान हो गया 20.525। ये 5 है, इसको हटा देंगे तो ये कुल मिला के हमारा हो जाएगा 20.5। 5 5 से बड़ा होने पर एक अंक बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 3। एटीएम वायुमंडल के बराबर हो जाएगा, यही हमारा प्रासारण दाब होगा सॉल्व का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी खंड के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। देखिए जो डी खंड होता है वो हमारा आवर्तसारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य रखा हुआ है, जिसमें 10 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जो थर्ड बी से लेकर के सेकंड बी तक होता है। अब इसके हमें केवल विशेषताएं बतानी है कि 4 विशेषताएं। तो जो डी ब्लॉक की जो कई विशेषताएं होती हैं, डी ब्लॉक तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, पहली विशेषता है। डी ब्लॉक तत्व रंगीन योगकों का निर्माण करते हैं, डी ब्लॉक तत्व संकर यौगिक का निर्माण करते हैं, डी ब्लॉक तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, डी ब्लॉक तत्व अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमारी डी ब्लॉक की बहुत सी प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें हमें केवल 4 प्रॉपर्टी लिखनी है। तो 4 प्रॉपर्टियां, तो पहली प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, ये तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादातर इनमें ये अनुचुंबकीय होते हैं, तो ये ज़्यादातर अनुचुंबकीय होते हैं। फिर तीसरी है, ये रंगीन योगकों का निर्माण करते हैं, ये रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये संकर यौगिक बनाते हैं। किस तरह से हमारी 4 प्रॉपर्टी हो गई, और कई प्रॉपर्टियां हैं, ये अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण करते हैं, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन 4 ही विशेषताएं लिखनी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन
एथेनॉल लगभग उदासीन होता है क्यों? देखिए जो हमारा एथेनॉल होता है, एथेनॉल तो एथेनॉल CH3CH2OH, इसका जो आयनन स्थिरांक लगभग होता है 10^-10 कोटि का, इस पर यह आयनित हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन O पे चले जाते हैं, जो O की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसलिए ये एथॉक्साइड आयन बना देता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2O, इस पर दो लोन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाने के कारण ये हो जाता है और ये अलग हो जाता है, ये हमारा बना देता है एथॉक्साइड आयन। एथॉक्साइड आयन हमारा बन जाता है। अब एथॉक्साइड आयन जो होता है, तो इस एथॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर CH3CH2O, अब देखिए ये इस पे लगा हुआ है जो एल्किल समूह है, जो हमारा एथिल समूह है, ये एथिल समूह हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण ये प्लस आई प्रभाव को प्रदर्शित करता है, प्लस आई प्रभाव के कारण ओ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ जाता है, इसका ऋणात्मक प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे यह अस्थायी हो जाता है, अस्थायी होने के कारण ये उदासीन होता है, अब हमारा जो फिनाल होता है, फिनाल ये हमारा फिनाल है, इसमें भी आयनांक 10^-10 पर ये हमारा जो होता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन ओ पे चले जाते हैं, क्योंकि ओ की विद्युत ऋणता अधिक होती है, एच की कम होती है, इसलिए ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा ये ओ माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और एच प्लस निकल के बाहर हो जाता है। अब ये हमारा फिनॉक्साइड आयन जो होता है, फिनॉक्साइड आयन में जो ओ के इलेक्ट्रॉन है, ओ पे उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, वो बेंजीन रिंग में अनुनाद प्रदर्शित करने लगते हैं, अनुनाद की घटना में भाग लेने लगते हैं, इसलिए इन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाने से ये अस्थायीकृत हो जाता है, अस्थायीकृत होने से ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा है प्लस आई प्रभाव के कारण, इसलिए ये अस्थायी हो रहा है, अस्थायी होने के कारण ये उदासीन हो जाता है। परंतु फिनॉक्साइड आयन में जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वो बेंजीन रिंग में अनुनाद की घटना के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे ये अस्थायीकृत हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, और अस्थायी होने के कारण ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। अब इसमें अनुनाद की जो घटना होती है, वो अनुनाद की घटना आपको दिखा देते हैं। तो इसमें ओ ये इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर पे आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी अगली अनुनादी संरचना जो है वो इस तरह से बन जाती है, ओ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और दो लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे ये बने रहेंगे। अब अगली बार में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होने लगते हैं, तो इसकी अगली अनुनादी संरचना ओ दो लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे आ जाएगा, तो सॉरी गलत हो गए, यह इसको हटा देते हैं, इसकी अनुनादी संरचना बंद पहले से लगा दिया, पहले से नहीं लगेगा, ओ के ऊपर दो लोन पेयर मौजूद हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे आएगा, पहले से नहीं लगना है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे चला जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, ये बंद यहाँ पर बना हुआ है, पहले से बंद नहीं बनाना है। अब अगली बार में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, बंद बना लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसकी अगली अनुनादी संरचना जो होगी वो हमारी इस तरह से हो जाएगी, इसकी ये हमारा बंद बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, इसकी अगली अनुनादी संरचना हमारी हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होने लगेंगे तो इसके ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इसकी अगली अनुनादी संरचना हमारी हो जाएगी ये द्विबंध, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पर सिंगल बंध हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं वो अनुनाद में भाग लेने लगते हैं। अनुनाद में भाग लेने के कारण हमारा फिनॉक्साइड आयन अस्थायीकृत हो जाता है जिससे यह अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है IUPAC नाम लिखना है। CH3 हमारा क्वेश्चन है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 ये हमारा है एक प्रकार का ये ईथर है। अब ईथर का IUPAC नाम लिखना है। अब IUPAC नाम ईथर के लिए क्या होता है? IUPAC नामकरण के लिए हमारा फार्मूला ईथर का होता है एल्कॉक्सी एल्केन। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो देखिए संधि विच्छेद करने पर एल्क धन ऑक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एल्क धन एन हो जाएगा। एल्क का मतलब होता है रूट वर्ड, कितने कार्बन की श्रृंखला है। ये हमारा होता है सफिक्स फर्स्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुलग्नक फर्स्ट। ये हमारा फिर होता है रूट वर्ड, कितने कार्बन की श्रृंखला है, ये फिर हमारा सफिक्स फर्स्ट होता है अनुलग्नक फर्स्ट। तो अनुलग्नक फर्स्ट दो बार आते हैं। अब देखिए ऑक्सी कहाँ पे लगेगा? ऑक्सी उस कार्बन चैन में लगता है जिस कार्बन चैन में कार्बन की संख्या कम होती है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन में इधर दो ही ऑक्सीजन के परमाणु हैं और इधर कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है। ये हमारा जो एल का समूह है ये रूटवर्ड को व्यक्त करता है और ये कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। तो देखिए इधर हमारे कम कार्बन है, इधर हमारे ज़्यादा कार्बन है, हमेशा ऑक्सी उसके साथ लगता है जिसपे कम कार्बन की संख्या होती है, कम कार्बन श्रृंखला। इसलिए ये हमारा बनेगा दो कार्बन के कारण हमारा रूट वर्ड होगा एथ और उसमें लग जाएगा ऑक्सी, तो हो जाएगा एथॉक्सी, तो हमारा एथॉक्सी हो जाएगा। अब इसमें कितने कार्बन हैं? 1, 2, 3। तीन कार्बन के लिए हमारा रूट हो जाएगा प्रोप और इसमें सफिक्स पर लग जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथ ऑक्सी प्रोपेन। तो ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.1 यूरिया तथा 0.1 यूरिया तथा 0.1 NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक है होगा, कारण सही से स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत आता है और बहुत ही सिंपल होता है। अब देखिए जो हमारा यूरिया ये यूरिया हमारा सूत्र क्या होता है? ये हमारा होता है NH2CONH2। हमारा दूसरा है NaCl है और एक हमारा H2CONH2 है। अब NaCl को अगर हम डिवाइड करें तो ये Na+ आयन और प्लस Cl माइनस आयन में डिवाइड हो जाता है और ये हमारा अनायनित होता है, ये आयनित नहीं होता है। तो ये आयनित नहीं होता है और ये आयनित होकर के दो आयन प्रदान करता है। अब हमारा जो परासरण दाब है, ये परासरण दाब हमारा अणुसंख्य गुणधर्म प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अणुसंख्य गुणधर्म हमेशा आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो NaCl में आयनों की संख्या दो है और यूरिया में ये अनायनित है, इसलिए NaCl का परासरण दाब अधिक होगा क्योंकि इसमें आयनों की संख्या अधिक है। तो NaCl का परासरण दाब हमारा अधिक होगा, इसका परासरण दाब
अधिक होगा क्योंकि इसमें आयनों की संख्या अधिक है और ये अनायनित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एथेनामीन से निम्नलिखित को होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एथेनामीन हमारा है CH3CH2NH2, ये हमारा एथेनामीन है। अब इसमें पहली अभिक्रिया हमारी है NaNO2 प्लस तन HCl। अब देखिए NaNO2 और HCl की जब क्रिया कराते हैं तो हमारा NaCl बन जाता है और HNO2 के साथ जुड़ करके हमारा नाइट्रस अम्ल बना देता है HNO2 और हमारा बन जाता है NaCl। यही हमारा नाइट्रस अम्ल जो बनता है, यही नाइट्रस अम्ल हमारा एथेनामीन से क्रिया करता है। तो इस तरह से हमारी अभिक्रिया हो जाती है CH3CH2NH2 और प्लस HNO2। अब HNO2 किसी भी पदार्थ से जब अभिक्रिया करता है तो उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है, नाइट्रस अम्ल हमेशा क्या करता है N2 गैस उत्सर्जित करता है, N2 गैस निकालता है। इसलिए क्या होगा, ये N और ये N मिलकर के N2 उस निकाल लेंगे, यहाँ का H2 यहाँ का एक वो पानी बन करके निकल जाएगा, यहाँ का एक वो और ये OH NH2 के निकलने से यहाँ जुड़ जाएगा अर्थात ये एथिल एमीन बना देगा, एथिल अल्कोहल बनाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा CH3CH2OH और हमारी N2 निकलेगी, N2 बन जाएगी और हमारा ये कण वाटर का बन जाएगा। तो इस तरह से एथेनामीन की क्रिया जब NaNO2 और HCl से होती है तो हमारा एथिल अल्कोहल बनता है, तो ये हमारी हो गई एथिल अल्कोहल। फिर दूसरा हमारा है, दूसरी अभिक्रिया है हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक हमारा होता है C6H5SO2Cl, ये एथेनामीन से क्रिया करता है तो हमारा क्या यौगिक बनेगा, देखिए ये हमारा होगा CH3CH2 और ये हो जाएगा C6H5SO2Cl। जब हिंसबर्ग एथेनामीन इसके साथ NH2 छूट गया लिखने को, नीचे लिख देते हैं CH3CH2NH2 प्लस हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl। जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका एक एच और इसका Cl निकल करके बाहर हो जाएगा और ये कंपाउंड इससे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2NH और NH से हमारा Cl निकल जाएगा, SO2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा SO2C6H5 प्लस HCl। इस तरह से हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2NH SO2C6H5। तो ये हमारी हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया होने पर समीकरण प्रदर्शित होगी। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।